हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता। वेलकम टू मॉम्स मैजिक। फ्रेंड्स, मैं आज एक साउथ की रेसिपी लेकर आई हूं, रसम। ये खाने में बहुत ही चटपटा, खट्टा, मीठा और तीखा टेस्ट होता है। इसके चावल के साथ, रोटी के साथ या किसी भी चीज़ों के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। बनाने के लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं। टमाटर लाल लाल रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ मैंने इमली रखी है, जो 2 घंटे पहले पानी में मैंने भिंगो दिया था। तो टमाटर को मैंने रफली चॉप कर दिया है, इस तरह देखिए, छोटे छोटे पीसेस में। तो अभी इन्हें एक बाउल में डाल दे रही हूँ। और इमली को मैंने हाथों से मैश करके पूरा छान लिया है पानी डालकर। तो थोड़ा पानी इसमें ये ऐड करूँगी। इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डालेंगे और थोड़े से करी पत्ता। क्रश करके डाल दें और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। अब इन सबको हाथों की सहायता से या फिर किसी मैसर की सहायता से अच्छे से इसे मिला लें। तो ये देखिए, मैंने इससे अच्छे से मैश लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, इस तरह अच्छा रहता है ये थोड़ा खड़ा। तो मैंने इसको मैश लिया है। अभी मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है धनिया, अखा धनिया है, काली मिर्च, जीरा, लहसुन और हरी मिर्च। इन सबको एक साथ मिक्सी जार में डाल दे रहे हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ऑनियन। तो ऑनियन अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑनियन डाल रही हूँ और ये है अदरक। और इसके साथ ही कुछ लीव्स डालूँगी मैं, करी पत्ता। और इन सबको मैं दरदरा ही पीसूंगी, बहुत ज़्यादा इसे भी बारीक नहीं करने हैं। तो इसे मैं दरदरा पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, मसाले मैंने इसे दरदरा पीसा है, बारीक नहीं किया है, इस तरह दरदरा रखना है। तो अभी चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 1 बड़ा चम्मच। इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों तड़के में और हींग और ये सूखी लाल मिर्च। थोड़ा सरसों को चटकने देते हैं, फिर ये जो हम लोगों ने तैयार किया है मसाला वो हम इसमें डाल देंगे। करना है के साथ ही मैं ये दे रही हूँ करी लीव्स। थोड़ा तेल और डाल देते हैं। तो मसाला हमारा भून गया है, 2 मिनट तक मैंने भुना है। और ये जो टमाटर हमने हाथों से या फिर ये से मैश करके अच्छे से रखा है, उसे इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही ये जो हम लोगों ने इमली का पानी रखा है बनाकर, उसे भी इसमें हम डाल देंगे। तो रसम जो है वो पतला होता है, तो इसमें अभी पानी और 1 कप और पानी पड़ेगा। तो इसमें मैं 1.5 कप पानी और डालने वाली हूँ अभी। और इसके साथ ही इसमें लाल मिर्च पाउडर भी लोग डालते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो इसमें आप भी लाल मिर्च पाउडर भी इस समय डाल सकते हैं। हमारे यहाँ इतना तीखा नहीं चलता तो मैं नहीं डाल रही हूँ। मैंने 1 कप पानी और डाले हैं इसमें। इसके साथ ही मैं सॉल्ट डाल दे रही हूँ और ये गुड़ मैं डाल रही हूँ। और बिल्कुल फ्लेम को लो रखें और धीरे धीरे इसे पकने दें। तो टमाटर अच्छे से इसमें पक जाएगा, जब हम लोग बंद करेंगे। तो अभी मैं इसे ढक दे रही हूँ और बिल्कुल फ्लेम को मैंने लो रखा और इसे उबलने तक हम लोग पकाएंगे। तो तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे पकने दिया है। और ये देखिए, हमारा रसम तैयार हो गया है। इसके साथ ही मैं इसमें हरी धनिया पत्ती कट करके रखी हूँ, ये डाल दे रही हूँ। तो धनिया पत्ता इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसे डाल दें और फिर इसका मज़ा लें आप। ये देखिए, हमारा रसम तो तैयार हो गया है। अभी मैं सर्व करती हूँ।
तो ये देखिए हमारा रसम तैयार है पीने के लिए, तो आप सब इसके मजे ले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।